हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर जिशांत भिट्टी और आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे साउंड एंड ऑडियो को। ओके, नाउ साउंड एंड ऑडियो इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमनली नोन और इसके बारे में हमने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया हुआ है। इसकी कुछ प्रिंसिपल्स को हमने पहले भी फंडामेंटली बात की हुई है। लेट्स डिस्कस दैट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल और इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ओके, नाउ जब भी हम साउंड या ऑडियो की बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि साउंड इटसेल्फ इज़ नोन एज टू बी एनर्जी। ठीक है, साउंड जो है वो हमारे पास एक एनर्जी की सूरत में एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है और उसके अंदर जो आवाज़ जो हम जनरेट करते हैं इट कंटेन्स बेसिकली एन एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी जनरेट कैसे होती है? दिस एनर्जी इज़ बेसिकली जनरेटेड थ्रू वाइब्रेशन ऑफ एयर। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो मूव करते हैं। दीज वोकल कॉर्ड्स बेसिकली प्रोड्यूस ए वाइब्रेशन, बेस्ड ऑन दिस वाइब्रेशन हमारे पास साउंड जनरेट होता है। साउंड इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आई थिंक रिटन फॉर्म, सिम्बॉलिक, ग्राफिक्स, इन सबसे पहले बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन साउंड ही था और इन अदर वर्ड्स आवाज़ या वॉइस कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मीडिया है जिसके तहत आवाज़ के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और थ्रू लॉन्ग दिस हैज़ बीन यूज्ड टू कम्युनिकेट। प्रॉब्लम है साउंड की भी कुछ लिमिटेशंस है तो इसीलिए फिर बाकी मीडियाज़ का लिया गया था सहारा। साउंड की जब भी बात की जाती है तो अगेन फर्स्ट थिंग ये कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली द वेव्स दैट आर जनरेटिंग फ्रॉम आवर माउथ आर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बिकॉज उसमें एनर्जी है इसीलिए आवाज़ आप तक पहुँचती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी लाउड आवाज़ होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी कम आवाज़ होगी। If I'm talking very loudly, basically I'm putting more energy into it. और अगर मैं बड़ी आराम से और आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं उसमें एनर्जी कम डाल रहा हूँ। ठीक है, तुम अपनी बॉडी की जो एनर्जी है, और अगेन हमें एनर्जी की डेफिनेशन या एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज नॉट लॉस्ट और वेस्ट। तो मेरी बॉडी की एनर्जी जो है ना वो मेरी आवाज़ में तब्दील हो रही है। जब हम आवाज़ की बात कर रहे हैं और एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी जनरेट कैसे होती है? ये एनर्जी जनरेट होती है वाइब्रेशन से। सो दिस साउंड is generated in form of vibrations. sound waves एक लफ्ज हमने commonly सुना हुआ है, waves की सूरत में sound travel करता है। ये waves भी energy को लेके carry forward करती हैं। ये waves generate होती हैं through vibrations. so whenever we talk or whenever we listen to any music from our headphones or whenever we listen to music from our speakers या कोई भी आवाज़ हमारे speaker से आ रही है, basically वो waves की सूरत में generate होती है और वो वेव्स जो हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट की जाती हैं। तो जब आप बात कर रहे हो तो आपका जो वोकल कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रैकिया यहाँ पे मौजूद है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दोज वेव्स। अब जब आप बात कर रहे हैं, जैसे इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बात करते हुए आप नॉर्मल बात करते हैं, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा यहाँ पे जोर से प्रेस करें या एक हल्का सा भी रखें यहाँ पे। ठीक है, डो नॉट नीड टू प्रेस इट। जब आप बात कर रहे हो तो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन इन योर फिंगर्स। हमारी फिंगर्स में आप वो वाइब्रेशन यहाँ से फील कर सकते हो। तो बेसिकली ये ट्रैकिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन, बेस्ड ऑन दैट वाइब्रेशन वो वेव्स, साउंड वेव्स की जनरेट होती है और आवाज़ यहाँ से निकलती है। ज़बान, उमूमन लोग कहते हैं कि हम मुंह से बोलते हैं, एक्चुअली आवाज़ हमारी यहाँ से जनरेट होती है। ज़बान इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रोनाउंसिएशन टू द वर्ड्स। अल्फाज को सही से तलफ़ुज़ देती है ज़बान। तो ये अगर इन अदर वर्ड्स अगर मैं ज़बान को एक तरफ रख दूँ, ठीक है, एंड आई डू नॉट ट्राई टू मूव माई टंग, लेकिन आवाज़ का तलफ़ुज़ नहीं बन रहा। तो इसीलिए टंग, आपकी ज़बान और आपकी गले की एक बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और जहन की, कि जो जहन में आप अल्फाज सोच रहे हो वो वेव्स यहाँ से जनरेट हो रही हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन ज़बान से जा रही है। अगर ज़बान मूव ना करेगी तो अल्फाज को तलफ़ुज़ नहीं मिलेगा। अल्फाज फिर भी निकल रहे होंगे, वेव्स फिर भी निकल रहे होंगे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उन लफ्ज़ों को जो अल्फाज बनाती हैं वो चीज़ हमारी ज़बान करती है, लेकिन जो साउंड की वेव्स की जनरेशन है वो एक्चुअली ट्रैकिया से होती है। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड यहाँ से हो रही होती है एंड यू कैन होल्ड। तो अगर आप फिंगर यहाँ पे करें तो आवाज़ एक्चुअली जनरेट यहाँ से हो रहा होता है, यहाँ पे ज़बान उसको अल्फाज का तलफ़ुज़ देता है। यू ट्राइड योरसेल्फ। अगर आप ज़बान को हिलाए बगैर बात करने कह रहे तो आपके अल्फाज बिल्कुल नहीं, तो हम थोड़ा बहुत हिलते हैं उसके अल्फाज बनते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ट्रिक है जिसको यू कैन ट्राई योरसेल्फ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि व्हेनेवर वी टॉक बेसिकली इट्स अ वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे पानी में हम कतरा कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो पानी के अंदर जो रिपल्स इफेक्ट क्रिएट होता है, सेम चीज़ यहाँ पे। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये वेव्स इफेक्ट्स हमारे पास क्रिएट हो रहे होते हैं। यही वो वेव्स इफेक्ट्स हैं जो एक्चुअली स्पीकर्स रीजनरेट करते हैं। स्पीकर्स के अंदर भी जो पीछे ब्लैक कलर का ड्रम लगा होता है, वहाँ पे आप हाथ रखो ना तो आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। वो वाइब्रेशंस क्या है, वो री साउंड वेव्स को रीजनरेट किया जाता है। ठीक है, वो जो ब्लैक कलर का पीछे मैग्नेटिक एक उसका मैग्नेट लगा होता है और उसका ब्लैक कलर का पर्दा होता है स्पीकर्स का, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग साउंड वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं साउंड की एक स्पेशल एनर्जी के साथ, डिपेंडिंग ऑन आप कितने उस पर डेसिबल्स पे काम कर रहे हैं। वही चीज उस पर हो रही है। ट्रैकिया के अंदर ये सिस्टम खुद ही मौजूद है। जब हम डिजिटल बात करते हैं तो हमें स्पीकर्स का सहारा लेना पड़ता है। सो ये एक पहली चीज, साउंड इज एन एनर्जी, इट इज जनरेटेड यू थ्रू वाइब्रेशंस। फिर अब जनरेट होने के बाद ये वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, ये पहुंचती कैसी हैं, इन फॉर्म ऑफ वेव्स, बिकॉज इट्स एन एनर्जी। तो वो एनर्जी उस वेव्स के अंदर मौजूद होती है और वो कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना लाउड या उतनी दूर तक आवाज जाएगी, डिपेंडिंग ऑन हम किस एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के हिसाब से मैं भी आगे इस पर बात करूंगा। तो जितनी दूर तक आवाज जाने का भी मैटर करता है कि आपके साउंड में कितनी वेव एनर्जी है, कितनी लाउड नजर आ रही है, कितनी हल्की नजर आ रही है, दोनों का मतलब आपकी एनर्जी के ऊपर है। तो अगर आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो गई मींस एनर्जी बहुत ज्यादा कर दी, आवाज बहुत ज्यादा हल्की हो गई तो मींस एनर्जी हमने कम कर दी। दोनों सूरतों में वेव की फॉर्म में आवाज आती है। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेव के अंदर भी ज्यादा एनर्जी होगी तो आवाज आपको ज्यादा महसूस होगी। ठीक है, सो डिजिटल साउंड और एनालॉग साउंड, चलो फिलहाल डिजिटल एनालॉग लफ्स यूज नहीं करते, साउंड की बात करते हैं। एनर्जी है, वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होती है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो वोकल कॉर्ड हो। दूसरा, वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। ये वेव्स ऑब्वियसली हमें नजर नहीं आती लेकिन हम महसूस सुनते हैं। अब व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक बैक ऑन आवर ईयर्स, देन कान के अंदर भी एक चीज कहलाती है कान का पर्दा, जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत नाजुक सी झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको कान का पर्दा कहा जाता है। ये वो कान का पर्दा है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है उस एनर्जी वेव्स को इंटरप्रेट करने के लिए। जब आवाज वापस आपके कान में आके पड़ती है तो आपके कान का पर्दा जो है उस वेव की वाइब्रेशंस को महसूस करता है और उस वाइब्रेशंस को डिकोड करके ब्रेन की तरफ सिग्नल भेजता है कि यार ये सिग्नल मुझे मिला है, और ब्रेन फिर उस सिग्नल को वापस इंटरप्रेट करता है कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और उसको उस वाइब्रेशन को जहन में अल्फाज की सूरत में रिकन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो वेव्स हैं वो वापस वेव्स भी हमारे कान पे पड़नी चाहिए। अब ये सारा एनालॉग साउंड है, जब मैं बात कर रहा हूँ ये भी एनालॉग मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि अगेन नो डिजिटल इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व। एनालॉगली वाइब साउंड यहाँ से जनरेट किया, वो आगे जाके आप तक पहुंचा, आपके कानों ने उसको रिसीव किया। तो ये जो कान के पर्दे हैं बेसिकली दे बिहेव लाइक एन एंटेना, लाइक ए रिसीवर। तो कान के पर्दे यहाँ पे आवाज को रिसीव करते हैं। जब आवाज यहाँ पे रिसीव हो जाती है तो वो यहाँ से अंदर तरफ घूम कर जा रही होती है। जब अंदर जाती है तो यहाँ पे ईयर ड्रम एक पर्दा लगा होता है, उस पर वो वेव्स टकराती है। ठीक, वो पर्दा उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस और ब्रेन की तरफ भेजता है। ब्रेन उसको पढ़ के अंदाजा लगाता है कि अच्छा इस वेव की जो डेजर आया था मेरे पास उसका एक्चुअली क्या मतलब। तो एनालॉग वेव्स जनरेट होती हैं और कान भी हमारे उन्हीं एनालॉग वेव्स को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ब्रेन जो है हमारा वो उस एनालॉग सिग्नल्स को, उन्हीं वेव्स को रीड करके प्रोसेस कर रहा होता है। दिस इज हाउ बेसिकली द सिस्टम वर्क्स। साउंड एनालॉगली जनरेट हुआ, साउंड एनालॉगली रिसीव हुआ, इंटरप्रेट हुआ, ब्रेन ने जनरेट किया। साउंड की जो वेव्स आती हैं वो वेव फॉर्म में डेटा हमारे पास ट्रेवल करता है। ठीक है, सो साउंड इज बेसिकली अ वेव फिनोमेना लाइक लाइट, is a microscopic and involves molecules of air being compressed and expanded under the action of physical device। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि वाइब्रेशन, क्योंकि हवा का जो दबाव बनता है इस वजह इसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसमें एक हवा कंप्रेस किया फिर एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस किया फिर एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस किया फिर एक्सपेंड हुआ, जिसकी वजह से वो वेव की सूरत में रहती है। और कितनी कंप्रेशन कितनी एक्सपेंशन करनी है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर सेइंग और किस तरह का साउंड हमें जनरेट करना है, ये चीज़ यहाँ पे। यहाँ पे ये एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑटोमेटिकली हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होती है। यही एक्सप्रेशन एंड कंप्रेशन स्पीकर्स करते हैं। तो अगर आपके पास स्पीकर्स हैं बड़े वाले हैं, उसके पीछे आप नोट करोगे एक मैग्नेटिक रिंग लगी होती है और वही उस तरह से पर्दा खुला होता है, और उस पर अगर आप हाथ रखो तो आपको यूं बुम 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 यूं आवाज, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। तो वो एक्सपेंशन कंप्रेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से वेव्स आपकी जनरेट हो रही होती है। तो बेसिक फिनोमेना ये होता है वे वाइब्रेशन जनरेट कराने का। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर इन एन ऑडियो सिस्टम वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ, प्रोड्यूसेस अ लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव्स दैट वी परसीव एज साउंड्स। तो ये जो वेव्स जनरेट होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव्स के नाम से रिकग्नाइज करते हैं। दिस इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव्स। अगेन, जो स्पीकर से साउंड जनरेट होता है जो वाइब्रेशन के नतीजे में, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स। ठीक, तो वो जब यूं जनरेट हो रहा होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल कह रहता है, एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास वर्टिकल लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मींस इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है। ठीक, तो इस चीज को हम कहते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स वो स्पीकर्स या हमारे मुंह से जनरेट हो रही होती हैं। सिंस साउंड इज अ प्रेशर वेव, इट टेक्स कंटीन्यूअस वैल्यूज एज अपोज्ड टू डिजिटल वंस। ठीक, बिकॉज साउंड हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है और हमें पता है कि एनालॉग सिग्नल हमेशा कंटीन्यूअस सिग्नल्स हो रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नल 1-0 के फॉर्म में डिस्क्रीट सिग्नल्स कहला रहे होते हैं। तो एनालॉग साउंड की जब हम बात करते हैं, ये जो साउंड जनरेट हो रहा है या एनालॉग साउंड है, आपको जो सुनाई दे रहा है स्पीकर्स के थ्रू, स्पीकर भी उस डिजिटल साउंड को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और आपके कानों तक आ रहा होता है। मैं इस कन्वर्जन के ऊपर आगे बात करूंगा। इवन दो सच प्रेशर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, दे स्टिल हैव ऑर्डिनरी वेव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लेकिन इनके अंदर भी दूसरे बिहेवियर्स होते हैं, सच एज रिफ्लेक्शन की आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस करती है, और उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी होती हैं कि अगर मैं सामने बात कर रहा हूँ तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सामने ज़्यादा जा रही है एज कम्पेयर टू पीछे, तो आगे वालों को आवाज़ क्लियर आएगी, जो मुझसे पीछे दूर बैठे उनको ज़रा आवाज़ नहीं आएगी। तो यही वजह है कि जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे होते हैं, यूजली आवाज़ की डायरेक्शन भी उसी तरफ ज़्यादा जा रही होती है। ठीक है, इफ़ यू विश टू यूज अ डिजिटल वर्जन ऑफ साउंड वेव्स, वी मस्ट फॉर्म अ डिजिटाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं डिजिटल एनालॉग एनालॉग रजिस्टर में भी बात करता हूँ। Sound makes silent presentations come alive and is very stimulating for audience. Sound can evoke emotions in audience that shape their perception and reception of the message. Advertising companies have long discovered the power of sound in presentations and are making full use of it in commercials. So, इसके बड़े फायदे मौजूद हैं। Sounds used in multimedia applications, from background sounds, triggering sounds, narrations, interactive feedback, response, वगैरह वगैरह। मूवीज साउंड के अंदर, गेम्स के अंदर हमने सब साउंड्स को इस्तेमाल सुना हुआ है। सो उनके एप्लीकेशंस के हवाले से मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। हम इनको बहुत हद तक यूज़ करते रहे, चाहे मूवीज़ हो, गेम्स हो, वीडियो हो, टेलीविजन हो, इंडस्ट्री हो, वीआर हो, एआर सिस्टम्स हो, एवरीवेयर वी गो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में अब हमारे पास साउंड जो है बेसिकली यूज़ हो रहा था। PC has a built-in sound system that you can use in simple function that such as starting or existing windows, beeps, working वगैरह वगैरह। तो विंडोज के अंदर, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर भी सिंपल की साउंड सिस्टम्स मौजूद होते हैं। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड साउंड कार्ड्स, जो एक्सटर्नल आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं, विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग योर साउंड डिवाइसेस। अब इन साउंड कार्ड्स का बेसिक काम क्या होता है? दीज साउंड कार्ड्स आर नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ठीक, ये दो जो प्रिंसिपल्स आए थे हमारे पास। एनालॉग साउंड की अगर हम बात करें तो एनालॉग साउंड इज द साउंड विच वी हेयर एवरी डे, सच एज बर्ड्स, म्यूजिक्स, कैसेट प्लेयर्स, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, इसको हम कहते हैं हमारे पास एनालॉग साउंड है। एनालॉग साउंड ट्रेवल्स इन अ कंटिन्यूअस वेव्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी एंड परसीव्ड लाउडनेस या एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं। ठीक, एनालॉग साउंड जो है वो वेव की सूरत में ट्रैवल करता है, और बिकॉज वेव्स हैं तो हमें ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ पता है कि एवरी वेव्स की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे की जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से। तो वो दिस वेव ऑल्सो हैज़ दैट सेम एस्पेक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड परसीव्ड लाउडनेस है, जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, इसका वायर डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्स द नंबर ऑफ साइकिल्स साउंड वेव्स मेक्स इन अ 1 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ बेसिकली वी वर्क विद एनालॉग साउंड टू डिजिटल साउंड। उसके बाद फिर मैं जो है उसके आगे की प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा, क्योंकि आई थिंक ये स्लाइड बीच में से मिस आउट हो गई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनालॉग टू डिजिटल साउंड, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग, तो मेरे पास से एनालॉग वेव्स जनरेट हो रही है। ये एनालॉग वेव्स फिर आपका माइक्रोफोन कैप्चर करता है। माइक्रोफोन जो हम यूज करते हैं, माइक्रोफोन इज कंसिडर्ड एज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टिंग डिवाइस। ठीक है, डिवाइस है जो कि, या कैप्चरिंग डिवाइस है अगर हम कह रहे हैं, तो वो क्या करती है कि जब आप बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन आपके उस एनालॉग वेव्स को कैप्चर करता है। उसके अंदर भी एक छोटा सा पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन व्हाट माइक यू यूजिंग, व्हाट क्वालिटी ऑफ माइक यू यूजिंग, इट हैज अ डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट रेंजेस। जितना अच्छा माइक होगा उतनी अच्छी उसकी इंटरप्रिटेशन होती है बेसिकली। तो वो माइक जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब आप बात कर रहे हो तो आपकी वेव्स को वो कैप्चर करता है, और उस वेव्स को इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में कन्वर्ट करके उस वायर के थ्रू साउंड गार्ड तक पहुंचाता है। साउंड गार्ड फिर उस इलेक्ट्रिक पल्सेस को रीड करके उसको डेटा को, उस इलेक्ट्रिक पल्सेस को फिर 1010 के फॉर्म में डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है। तो जब हम बात करते हैं, सामने माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो ये माइक्रोफोन बेसिकली हमारे पास उस एनालॉग वेव्स को डिजिटल इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। वो माइक्रोफोन आवाज पल्सेस को जो वापस साउंड कार्ड के अंदर सेंड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, साउंड कार्ड उसको फिर प्रोसेस करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के थ्रू उस 1010 को फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उस एनालॉग वेव सूरत को समझो, इन अदर वर्ड्स उस 10 के डेटा के अंदर कन्वर्ट करता है साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड के अंदर एक स्पेशल सर्किटरी लगी होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेशन की सूरत में। साउंड कार्ड हो गया, ये सेम साउंड कार्ड फंड आपके टेप रिकॉर्डर्स में हो गया, आपके मीडिया प्लेयर्स में हो गया, आपके मोबाइल फोन्स में हो गया। एवरी सिस्टम दैट यूजेज दिस एबिलिटी हैज इट, सो एवरी सिस्टम दैट हैज साउंड एंड माइक्रोफोन सिस्टम, उसके अंदर ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स मौजूद हैं। तो आपके जितने मोबाइल फोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, एवरी डिवाइसेस बेसिकली हैज दिस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स वेयर दे हैव अ माइक्रोफोन एंड दे हैव दैट फीचर जिसमें माइक की जरूरत पड़े, आवाज को रीड करके वो कन्वर्ट करें। तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो आपके साउंड कार्ड में होता है वो आपकी आवाज को वापस वेव से कन्वर्ट कर देता है 1010 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, जिसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। फिर वही आवाज जब हम प्लेबैक करते हैं तो वो स्पीकर से आवाज जब हमारे से प्लेबैक करते हैं वो प्रोसेसर से वापस साउंड कार्ड में आती है। साउंड कार्ड उस 1010 को वापस प्रोसेस करके इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके स्पीकर्स की तरफ भेजता है। फिर स्पीकर्स उस इलेक्ट्रिक पल्सेस की बेस में वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट करने के बाद वही 10 का डेटा, इलेक्ट्रिक फॉर्म का डेटा वापस एनालॉग वेव में जनरेट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे स्पीकर्स हमारे लिए एक लिहाज से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की सूरत में काम करते हैं। माइक्रोफोन वी कैन से वर्क इन फॉर्म ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो माइक्रोफोन आवाज को डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं, स्पीकर्स उस डिजिटल पल्सेस को वापस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्पीकर आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दैट एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग वेव फॉर्म। तो जब स्पीकर्स हम यूज करते हैं वो वाइब्रेशन जो है वो बेसिकली वो एक कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू उस लॉन्गिट्यूडल वेव्स को रीजनरेट करता है जो कि उस 1010 फॉर्म उसको डेटा मिला हुआ है। सो दिस इज अ सिंपल साइकिल दैट बेसिकली वर्क्स। तो जब हम क्योंकि इंसान रिमेंबर इज बेस्ड ऑन एनालॉग साउंड, हम लोग बात भी एनालॉग कर रहे हैं, हमें सुनाई भी एनालॉग चाहिए, हम डिजिटल डेटा को नहीं सुन सकते। सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू आवर एनालॉग फॉर्म एज वेल। ठीक है, अब उस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के हिसाब से जो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती हैं वो यूनिट्स हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इज हर्ट्स, तो जो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, जो वेव बनता है हमारे पास, ठीक है, उस वेव के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। द हायर द फ्रीक्वेंसी द फास्टर एंड द साउंड वुड बी, द लोअर द फ्रीक्वेंसी द स्लोअर द साउंड वुड बी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड मेजर्ड इन हर्ट्स। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका मतलब ये होगा कि आपके साउंड के साइकिल्स ज्यादा हैं, जितने ज्यादा साइकिल्स होंगे उतनी ज्यादा बेसिकली आपकी साउंड की जो स्पीड होगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई कम हियर, आई थिंक मेरे पास इसमें पेन का ऑप्शन होना चाहिए। इफ आई कैन स्क्रीन पॉइंटर ऑप्शंस, पेन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल टेरेबल फिगर एक ये आ गया, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसी के अंदर से अगर हम आई थिंक सॉरी ये फिगर यहाँ पे नहीं बनेगी। वापस आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आइडिया ये है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स को डिफाइन करती है। नंबर ऑफ साइकिल्स मींस कि एक सेकंड में आपकी साउंड के कितने साइकिल्स जनरेट हुए। The more cycles there are per second means आपकी साउंड के अंदर उतने ज्यादा cycles आते हैं। ठीक है, the higher the frequency means कि आपके एक सेकंड में उतने ज्यादा cycles आ जाएंगे। Number of cycles per second hertz के अंदर measure होता है। The lower the frequency means कि आपके number of cycles उतने ही कम होते चले जाएंगे हमारे second के हिसाब से। ओके, इसी को हम कहते हैं frequency। अब what happens when we increase the frequency? At a certain point we need to maintain the frequency। एक टर्म हमने यूज किया होगा या आपने सुना होगा कि इंसान की सुनने की हर्ट्स जो है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स के दरमियान में इंसान जो सुन सकता है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम मेजर करें तो वो 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक, मतलब 20 हर्ट्स की साइकिल से लेकर 20,000 किलो हर्ट्स की साइकिल 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक की जो है फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। मींस उसके एक सेकंड के अंदर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वो सुन सकता है, उसके ऊपर या उससे कम आवाज नहीं सुन सकता। एवरी एनिमल, एवरी कैरेक्टर हैज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आंट्स हैं, तो मकोड़ियों का भी कहा जाता है कि आपस में बात करती हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इतनी लो है कि हम डायरेक्टली उसको ना कैप्चर कर पा रहे हैं ना उनको समझ पा रहे हैं। डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, लॉयंस, हम उनकी फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एनिमल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी की सबसोनिक बहुत ज्यादा हाई है। एलिफेंट्स हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े कान हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी सुनने की हंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर की आवाज को भी एलिफेंट बड़ी आराम से सुन लेता है। ठीक है। वजह यह है कि उसके कान बड़े हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी 20 हर्ट्ज पे खत्म होती है उसकी बहुत आगे तक जाती है। अब इस फ्रीक्वेंसी का एक और एस्पेक्ट ये बढ़ता है कि द हायर द फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में जितने ज्यादा होंगे उतनी आवाज की फ्रीक्वेंसी, उतनी उसकी स्पीड हमारे पास ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी से समटाइम्स हम स्पीड से भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइम नॉर्मल से बात कर रहा हूँ, दैट्स बेसिकली मींस कि मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 5 है, नॉर्मल रखी हुई है। पर अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से बहुत आराम से उस बात को करता हूँ और बहुत स्पीड से बात करता हूँ, इसका मतलब ये कि मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को मैंने बहुत ज़्यादा तेज कर दी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा हो गए। तो अक्सर लोगों की बात करने की सलाह जो है ना बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दिस इज मीन्स मैंने आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। उसके बाद फिर मैं अगर बहुत स्लो कर दूँ और आराम से आहिस्ते से बात करूँ तो अब हुआ ये कि मैंने अपनी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर दिया। वॉल्यूम उतना ही रखा, वॉल्यूम मैंने अपना मेंटेन किया हुआ है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वॉल्यूम या लाउडनेस को मैंने चेंज नहीं किया बट कि मैंने फ्रीक्वेंसी को बहुत कर दिया। अब साइकिल्स पर सेकंड कम हो गए। अगर साइकिल्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा उसका मतलब मैं आवाज़ को बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, मीन साइकिल्स पर सेकंड एक सेकंड मेरी बहुत ज़्यादा वेव्स हो रही है। लेकिन अगर मैं आवाज़ को आहिस्ते कर दूँ तो अब मेरी आवाज़ की जो वेव्स हैं वो स्लो स्लो हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी से बेसिकली हम स्पीड ऑफ साउंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि इवेंचुअली इतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि आपको सुनाई नहीं देगा और एक पॉइंट के बाद वो फ्रीक्वेंसी के वेव इतनी स्लो हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी कि आपको सुनाई नहीं देगा। तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मीन साइकिल्स इतने कम है कि आपको सुनाई नहीं देगा। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो गई, मीन्स इतने ज़्यादा साइकिल्स हो गए कि वो आवाज़ जो है ना जुप हो गई, आपको सुनाई नहीं देगी। तो हमारे जो सुनने की रेंज है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाती है। और ये फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से साउंड की फ्रीक्वेंसी को, अगेन ये साउंड के बेसिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, साउंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को उसकी स्पीड के साथ हम मेजर करते हैं। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट रेंज, कुछ लोग तेज बात करते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया। उसके बाद एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड मीन्स उस वेव की हाइट, कितनी बड़ी वेव की हाइट है या कितनी छोटी वेव की हाइट है, ठीक है। जो साइकिल फ्रीक्वेंसी की वेव हमारे पास साउंड की जो वेव बनती है, जितनी ज्यादा वेव होगी उसका मतलब मैं उतना ज्यादा लाउड बात कर रहा हूँ और जितनी कम आवाज होगी उसका मतलब मैं आवाज को बहुत कम रखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडनेस ऑफ योर साउंड, लाउडनेस ऑफ योर वेव मीन्स हाइट जो आपकी वेव की बताती है वो बेसिकली आपके एम्पलीट्यूड होती है। तो जब हम स्पीकर से वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आवाज की स्पीड नहीं इंक्रीज होती, उसकी लाउडनेस इंक्रीज होती है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड है वेव का, उसको ऊपर कर रहा होता है। अक्सर स्पीकर्स में, डेस्क में, गाड़ियों में हम अलग से एम्पलीफायर्स लगाते हैं जो साउंड्स को जरा सा और इन्हांस करके बूस्ट कर देता है। जो म्यूजिक होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अलग से बड़े एम्पलीफायर सिस्टम्स लगाए जाते हैं कि नॉर्मल अब माइक से आवाज़ आ रही है, वो एम्पलीफायर में जाती है, एम्पलीफायर उसको बूस्ट करके मल्टीपल स्पीकर्स की तरफ डायरेक्ट कर देता है ताकि आवाज़ आपकी बहुत बड़े स्टेडियम में लाउडली गूंज सके। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि आवाज़ की स्पीड के साथ नहीं टेम्पर करता, उसकी हाइट के साथ टेम्पर करता है। तो जो साउंड वेव्स आपके पास बन रही हैं उस वेव को जो है ना बेसिकली वो कम या ज़्यादा करता है। तो एम्पलीट्यूड कंट्रोल्स द लाउडनेस ऑफ योर साउंड, कितना लाउड आप बात कर रहे हो, कितना आराम हल्का बात कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ योर साइकिल्स, कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड आपके कितने होने चाहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साइकिल्स होंगे मीन्स आवाज़ आपकी उतनी फास्ट होगी, जितने कम साइकिल्स होंगे पर सेकंड के हिसाब से मीन्स आवाज़ आपकी उतनी ही कम होगी, ठीक। दिस इज व्हाट बेसिकली दीज टू प्रॉपर्टीज इन टेल। यही चीज़ फिर हमें डिजिटल साउंड के अंदर भी रेप्लिकेट करनी होती है।